Today we are going to do a beautiful story written by Ruskin Bond, and name of the story is The Untouchable. What does untouchable mean? Untouchable को हिंदी में कहते हैं अछूत. अछूत that means जिसे छूना मना हो. ऐसे मनुष्य, ऐसे लोग जिन्हें छूना मना हो, उन्हें छूना नहीं चाहिए. ये untouchables कौन होते थे? अगर हम कुछ पुराने समय की ओर चलें, इतिहास की घटनाओं को पढ़ें, तो आज़ादी के दिनों में या आज़ादी के वक्त या उसके पहले, दैट मीन्स 1900 एडी के एडी से लेकर के 1950 या 60 तक, ऐसे लोग जो मैनुअल वर्क करते हैं, ऐसे लोग जो साफ सफाई का काम करते हैं, जैसे स्वीपर हो गए, सड़क पे झाड़ू लगाने वाले लोग हो गए, तो इन सभी को अनटचेबल कहा जाता था. अनटचेबल का मतलब उन्हें छूना भी मना है. ये एक बहुत बड़ा सोशल एविल था. अगर कोई अनटचेबल किसी आदमी से टच कर जाता था तो उसे अपनी क्लीनिंग करनी पड़ती थी, नहाना पड़ता था, बहुत सारे रिचुअल्स थे. यानी बहुत ही घृणा की दृष्टि से अनटचेबल्स को देखा जाता था. तो रस्किन बॉन्ड ने इसी सोशल एविल के बारे में बात की है अपनी इस स्टोरी में. रस्किन बॉन्ड एक इंडिया बॉर्न इंग्लिश राइटर है. उनका जन्म इंडिया में हुआ था और वो कहानियाँ लिखते हैं इंग्लिश भाषा में, और वो बड़े फेमस हैं बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखने के लिए. द स्टोरी अनटचेबल इज रिटन बाई रस्किन बॉन्ड, ए वेल नोन ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस क्लासिक्स. एंड इन दिस स्टोरी रस्किन बॉन्ड थ्रोज लाइट ऑन द इविल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. और इस खास स्टोरी में जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं द अनटचेबल में, रस्किन बॉन्ड ने बात की है, प्रकाश डाला है, उजागर किया है उस समय की एक बहुत बड़ी बुराई, सामाजिक बुराई, सोशल लेवल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, डिफरेंस करना. द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज केप्ट अवे फ्रॉम द पीपल हु आर सपोज टू लुक आफ्टर हिम. अब इस घटना, इस स्टोरी में एक ऐसी अजीब घटना हो गई, घटना ही कुछ ऐसी हो गई कि नैरेटर को, यानी इस स्टोरी के लिखने वाले को, उन्हीं लोगों के बीच रहना था, उन्हीं लोगों के साथ रहना पड़ा जिन्हें कि अनटचेबल कहा जाता था, जिनसे कि राइटर को बताया जाता था उन्हें छूना नहीं है और उनसे दूर रहना है. फिर क्या होता है, क्या एक्सपीरियंस है राइटर का, उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या महसूस किया, इसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. आइए हम लोग स्टोरी की शुरुआत करते हैं. द स्वीपर बॉय स्प्लैश्ड वाटर ओवर द खस मैटिंग दैट हंग इन द डोरवे. स्वीपर बॉय, साफ सफाई करने वाला वो लड़का, स्प्लैश्ड वाटर, पानी के छींटे मार रहा था ओवर द खस मैटिंग, खस मैटिंग के ऊपर. खस मैटिंग क्या होता है? पहले के ज़माने में जब कूलर वगैरह नहीं थे तो एक खास तरह के ग्रास होते हैं खस, उसका कर्टेन बनवा करके दरवाज़ों पे, खिड़की पे टांगा जाता था और उसे पानी से भिगा दिया जाता था. उससे उस कमरे में गर्मी से राहत मिलती थी. तो जहाँ राइटर रहते थे उनके घर के कमरे के दरवाजे पे, खिड़कियों पे खस के वैसे ही मैटिंग लगी थी, जिससे कि वो गर्मी में बहुत ज़्यादा हीट से बच सकें और कमरे के अंदर ठंडक महसूस कर सकें. तो वो जो स्वीपर बॉय था वो पानी के छींटे मार रहा था खस मैटिंग पे, जो कि दरवाजे पे टंगा था. एंड फॉर अ वाइल द एयर वॉज कूल्ड. और जब खस के उस मैटिंग पे पानी के छींटे डाल दिए गए, उस खस मैटिंग को गीला कर दिया गया, तो कमरे में हवा ठंडी हो गई. आई सैट ऑन द एज ऑफ माई बेड. नैरेटर उस समय अपने बेड पे बैठे हुए थे, बेड के बिल्कुल किनारे, स्टेयरिंग आउट ऑफ द विंडो, और वहाँ बैठ के खिड़की से बाहर देखे जा रहे थे. ब्रूडिंग मीन्स सोच रहे थे ओवर द डस्टी रोड शिमरिंग इन द नून डे हीट. और वो बैठे सोच रहे थे और ओपन विंडो से बाहर देख रहे थे, और बाहर उन्हें क्या दिखाई पड़ रहा था, डस्टी रोड दिखाई पड़ रहा था जो कि दोपहर की गर्मी की वजह से शिमरिंग कर रहा था, चमक रहा था. ए कार पास्ट
एंड द डस्ट रोज इन बिलोइंग क्लाउड्स। और तभी राइटर ने देखा कि वहाँ से एक कार गुजरता हुआ गया और कार के गुजरने की वजह से सड़क पे जो धूल पड़ी थी वो धूल के बादल उड़ने लगे। सड़क कैसा था? डस्टी था। और उसके ऊपर तेज़ी से अगर गाड़ी जाएगी तो क्या होगा? ऐसा लगेगा जैसे धूल के बादल उड़ रहे हों। अक्रॉस द रोड लिव्ड द पीपल हु वर सपोज टू लुक आफ्टर मी व्हाइल माय फादर ले इन द हॉस्पिटल विथ मलेरिया। राइटर सोच रहे हैं, राइटर बता रहे हैं हम लोगों को कि सड़क के उस पार वे सारे लोग थे जिनके बारे में माना जाता था कि वही मेरी देखभाल करेंगे तब तक जब तक कि हमारे फादर हॉस्पिटल में मलेरिया से बीमार एडमिट हैं। इस सेंटेंस का मतलब है नैरेटर के फादर बीमार पड़ गए थे और बीमार पड़ गए थे, उनकी बीमारी क्या थी? मलेरिया। और मलेरिया की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था और घर में कोई भी नहीं था, तो सड़क के पार रहने वाले जो उनके नेबर्स थे उन्हीं लोगों को राइटर के फादर ये जिम्मेवारी दे के गए थे कि आप इस बच्चे की देखभाल करेंगे। आई वॉज सपोज टू स्टे विद देम स्लीप विद देम बट एक्सेप्ट फॉर मील्स। मुझे उन्हीं के साथ रहना था, उन्हीं के साथ सोना भी था, सिर्फ खाना घर में खाना था। आई केप्ट अवे, लेकिन मैं दूर ही रहा। आई डिड नॉट लाइक देम, क्योंकि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता था। दे डिड नॉट लाइक मी, और वे जो सामने रहने वाले मेरे पड़ोसी लोग थे वो लोग ना तो मुझे पसंद करते थे और ना ही मैं उन्हें पसंद करता था। तो ऐसे सिचुएशन में राइटर अपने घर में सोचते हुए बैठे हैं, उनके फादर हॉस्पिटल में एडमिट हैं और घर में काम करने वाला स्वीपर बॉय है। नीचे कुछ ग्लॉसरी वर्ड्स हैं। ब्रूडिंग मीन्स प्री ऑक्यूपाइड विद थॉट्स, यानी सोचते हुए बैठे रहना। बिलोइंग मीन्स सर्जिंग, सर्जिंग का मतलब तेजी से उड़ना। एंड सिमरिंग का मतलब शाइनिंग, शाइनिंग विद सॉफ्ट लाइट, यानी लाइट का हल्का हल्का उससे कण निकलना।